हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेस की रिपेयरिंग कैसे करते हैं और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इनके डायग्राम को समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन प्रेस के अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आता है थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का काम होता है, मुख्य काम ये होता है कि प्रेस को हीटिंग प्रदान करना। ये निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के माध्यम से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि देखते हैं कि कैसे हम, यदि हमारा नाइक्रोम खराब हो गया है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे तथा यदि थर्मोस्टेट खराब हो गया तो कैसे चेक करके जानेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट खराब है। तो आइए देखते हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से हम इस प्रेस की नाइक्रोम की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि नाइक्रोम हमारा सही अवस्था में या खराब है। तो आइए चेक करके देखते हैं। पहले सीरीज टेस्ट लैंप ठीक है। तो नाइक्रोम के दो टर्मिनल होते हैं। नाइक्रोम के पहले टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसे ये पता चला कि नाइक्रोम की स्थिति ठीक ठाक है, नाइक्रोम हमारा ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की क्या स्थिति है, खराब है या ठीक है, इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी भी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट